दोस्तों, क्या आप भी मुंह के छाले की समस्या से परेशान हैं? आपके भी मुंह में, जीभ पर या फिर मुंह के अंदरूनी हिस्सों में छाले हो गए हैं और ये छाले कभी कभी हमारे फूड पाइप तक यानी कि हमारे खाने की नली तक भी पहुंच जाते हैं, जिसके कारण हमें खाने में, यहाँ तक कि पानी पीने में भी दिक्कत होती है। तो इसके क्या कारण है, मुंह में छाले होते क्यों है? देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, पर उसमें सबसे बड़ा कारण होता है हमारे पेट का अच्छे से ना साफ होना। जिन लोगों में भी लंबे समय तक छाले की समस्या बनी रहती है, तो उन लोगों में मेन कारण होता है कि उनका पेट अच्छे से साफ नहीं रहता। इसके साथ ही अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड का सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, घर का खाना खाते हैं पर बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होता है, मसालेदार होता है, तो उन लोगों में भी जीभ में छाले की समस्या, इसके अलावा मुंह में जलन, जीभ पर जलन, इसकी समस्या बनी रहती है। और ये छाले कभी कभी इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि फूड पाइप तक यानी कि खाने की नली तक भी पहुंच जाते हैं। इन छालों में बहुत ज्यादा कभी कभी दर्द होता है, जलन होती है, चुभन होती है और हमें खाने पीने में भी दिक्कत होती है। तो आप चाहें तो डॉक्टर के पास जाकर पैसे खर्च करके दवाइयां भी खा सकते हैं, पर जिनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर मेरी बताई हुई होम रेमेडीज को अपनाकर घर में ही बहुत आसानी के साथ और बिना किसी साइड इफेक्ट के आप इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस नीम के साथ आपको एक्चुअली करना क्या है, आपको क्या करना है, इस तरह से जो कोमल वाली आगे की पत्तियां होती है ना, तो ये जब निकलती हैं तो बहुत छोटी सी, काफी कोमल होती हैं, ये आपको ले लेनी है और इनको आपको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद में ना इसको आप चबा लीजिए, अच्छे से चबा चबा कर इसका बिल्कुल अच्छे से इसको आपको गुटक लेना है, इसका रस भी पूरा पी जाना है। और इस काम को आपको रोज करना है, खाली पेट करना है। 1 से 2 महीने तक आप इसको कंटिन्यू कीजिए, फिर उसके बाद में 15 दिन का गैप दे सकते हैं और इसी तरह से करते रहिए। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपकी पित्त से जुड़ी कोई भी समस्या होगी, अगर आपके मुंह में छाले रहते हैं तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और अगर आप इसको बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते तो 15 दिन फॉलो करके देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए होम रेमेडी नंबर 2 शेयर करती हूं, जिसके लिए अगेन मैंने यहां पर नीम ली है। तो नीम को सबसे पहले पत्तियां ले ले, कुछ इस तरह से बड़े बड़े साइज की पत्तियां ली है, इसको अच्छे से धो लीजिए। मैंने यहां पर नीम के पत्तों को धोकर रखा है। बेसिकली यहां पर नीम का तेल हम बना रहे हैं, इसके लिए यहां पर हमने क्या किया है, थोड़ा सा लिया है यहां पर सरसों का तेल, लगभग आधा कप के करीब होगा, और नीम की पत्तियों को इस तरह से डायरेक्टली हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो नीम की पत्तियों को थोड़ा सा ना कूट भी सकते हैं, किसी भी खल्लड़ में आप थोड़ा सा कूट लीजिए, अच्छे से इसका पेस्ट बना लीजिए और उसके बाद में आप तेल में डाल सकते हैं। इस तेल को यहां पर पत्तियों के साथ ही मैंने लगभग 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर इस तरह से गर्म कर लिया और ये देखिए पत्तियों का कलर पीला हो चुका है और ये तेल बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इस तेल को आप भरकर रख सकते हैं किसी भी शीशी में। आप चाहें तो इस तेल को अपने बालों में भी लगा सकते हैं, उससे आपके जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी तरह की खाज खुजली रहती है वहां भी लगा सकते हैं, बालों पर भी लगा सकते हैं, स्कैल्प पर भी लगा सकते हैं, अगर आपको किसी भी तरह की फंगल इन्फेक्शन है तो। अब फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं नीम के तेल को मैंने एक शीशी में भरकर रख दिया है। तो इसके लिए मैं उपाय बताऊंगी कि क्या करना है आपको, कैसे इसको छाले पर आपको यूज करना है। साथ ही ये वाली जो होम रेमेडी हमने शेयर की थी ना आपके साथ, ये भी आप रोज फॉलो कीजिएगा। लगभग 15 दिन तक भी अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो आपके जो छाले होने की समस्या है जड़ से खत्म हो जाएगी। तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं, जो कोमल पत्ते होते हैं ना बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं, तो इनको आप आराम से चबाकर खा सकते हैं। अब यहां पर देखिए जो हमने लिया है टी ट्री ऑयल यानी कि नीम का तेल, इसको आपको लेना है 2 से 3 बूंद 1 स्पून में, और इस तरह से कॉटन ले लीजिए, थोड़ा सा रुई ले लीजिए और उसको अच्छे से डिप करना है हमें इस तेल में। अब आपके जहां पर भी छाले हो मुंह पर, वहां पर आप इस तरह से टी ट्री ऑयल लगाकर छोड़ दीजिएगा, ये नीम का तेल लगाकर आप छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, लगभग 10 से 15 मिनट के लिए लगाकर भूल जाइए। आप चाहें तो इस काम को रात में ना सोते वक्त भी कर सकते हैं, सोते वक्त आप छालों पर लगा दीजिए और उसके बाद आप आराम से सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से लगा रहता है। तो ये रात भर में काम करेगा बहुत अच्छे से और आपको जो छालों की जलन है, छालों से समस्या है, वो धीरे धीरे खत्म कर देगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना होगा। देखिए कोई भी अगर आपके साथ होम रेमेडी शेयर कर रहा है तो उसमें आपको डाइट पर भी ध्यान तो हमेशा देना ही होगा। आपको ये देखना होगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो क्यों रही है। बेसिकली हमारी डाइट जब खराब होती है, हमारा पेट अगर खराब होगा तो उससे ही छालों की समस्या होती है, तो उसको आपको सबसे पहले ठीक करना होगा। आप स्पाइसी फूड को अवॉइड कीजिए, जंक फूड को अवॉइड कीजिए, घर का सादा खाना खाइए। गर्मियों का सीजन है तो थोड़ा सा ना ठंडा खाना खाइए। ठंडे का मतलब ये नहीं है कि ठंडा खाना खाना है आपको, कुछ कूलिंग खाना खाना है, जैसे दही का सेवन करना है आपको, छाछ पीजिए, आप खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, कुछ इस तरह का खाना खाइए।
तो चलिए होम रेमेडी नंबर 3 मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जिसके लिए यहाँ पर एक बर्तन में मैंने लिया है 1 ग्लास पानी। इसमें मैंने आधी चम्मच के करीब डाल दिया है हल्दी। तो हल्दी भी आप सभी जानते हैं एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल होती है, एंटीवायरल भी होती है, और इसको आपको अच्छे से उबालना है। तो हल्दी को पानी में इस तरह से उबलने दीजिए अच्छे से, लगभग 4 से 5 मिनट उबल जाएगी ये। और देखिए इसके बाद आप गैस को ऑफ कर दीजिएगा। अब इस पानी को आपको करना है ठंडा, पूरी तरह ठंडा नहीं करना है, जब ये बिल्कुल हल्का सा गर्म रहेगा ना तो उस समय आप इसको ग्लास में छान लीजिएगा। और इस पानी से आपको कुल्ला करना है, दिन में आपको 3 से 4 बार कुल्ला करना है। आप चाहें तो एक बार में ये हल्दी का पानी बनाकर रख लीजिए, और दिन में आप 2 से 3 बार मैक्सिमम 3 से 4 बार अच्छे से कुल्ला कर लीजिए। तो ये वाली होम रेमेडी भी आप फॉलो कीजिएगा, अपने छालों पर आप रात को लगा लें या फिर दिन में जब भी आपको मौका मिल जाता है तब भी आप लगा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके। इस रेमेडी को भी आप दिन में 2 से 3 बार आप लगा लीजिए, और साथ ही ये जो हल्दी वाला पानी है ना इसको भी आप छाने या बिना छाने कैसे भी आप थोड़ा सा कुल्ला कीजिए इससे, तो आपको बहुत ही ज्यादा छालों में आराम मिलेगा। आप देखिएगा इन सारी होम रेमेडीज को आप साथ साथ फॉलो कीजिए, तीनों होम रेमेडीज को आप एक बार में ही साथ साथ फॉलो कर लीजिए। आप देखिएगा आपकी जो मुंह से छालों की मुंह में छालों की समस्या है ना वो जड़ से बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और दोबारा आपके छाले होंगे ही नहीं। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा दांतों की सफाई का भी ध्यान रखिए, साथ ही विटामिंस की कमी मत होने दीजिए, विटामिंस की कमी के कारण भी कभी कभी छालों की समस्या हो जाती है। इसके साथ ही इनडाइजेशन की समस्या अगर आपको बनी रहती है उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दें, कब्ज की समस्या ना होने दें और पेट की गर्मी ना बढ़ने दें। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी छाले की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो फायदेमंद लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।